दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा खराड़ी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आए हैं दोस्तों। और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है यहाँ पे, और इसको रेस्क्यू करेंगे और किसी सेफ जगह पे रिलीज कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं, छोटा है पर बहुत ही जहरीला होता है। अगर ये काट लेता है तो आदमी की मौत 1.5 से 2 घंटे में हो सकती है। और इसका जहर जो होता है नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। और छोटे जो बच्चे होते हैं एक्टिव होते हैं ज़्यादा, ठंड के मौसम में ये गर्म जगह पे आ जाते हैं गर्मी पाने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, और ये अभी ज्यादातर शांत इलाकों में निकल जाते, आके बैठ जाते हैं, ये चिप जाते हैं, या फिर किसी जगह पे कुछ मटेरियल वगैरह रखा हो तो उस जगह पे ये आके बैठ जाते हैं। और बहुत ही घातक होता है। 4 जहरीले सांपों में से एक जहरीला सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। और भारत में कुछ इलाकों में गेहूवन, महाराष्ट्र में नाग, अलग अलग से नाम से इनकी पहचान होती है। इनका कलर अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है, और कुछ जगह पे ब्राउन, कुछ जगह पे हल्का सा येलो, कुछ जगह पे ब्लैक कलर में होते हैं। इसमें मोनोस्लेट और स्पेक्टिकल 2 कोबरा मिलते हैं। तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में मोनोस्लेट स्पेक्टिकल कोबरा पाए जाते हैं, मोनोस्लेट कभी तो दिखाई नहीं देते। जो मोनोस्लेट कहते हैं उन्हें वो हल्का जहर फूकते हैं, लेकिन ये जो स्पेक्टिकल कोबरा होते हैं ये जहर नहीं फूकते, लेकिन ये अगर काट लेते हैं तो शरीर के अंदर जहर इंजेक्ट करते हैं ये। तो चलिए दोस्तों अभी से सेफली रेस्क्यू करते हैं। दो सर पार्ट होते नहीं पकड़ लेते।